chemistry book 2 chapter number 9. Last lecture ke andar hum logon ne basically benzene ki preparation dekhi thi. Benzene ki preparation ke liye jo sabse important method tha, jo sabse end pe maine aapko padhaya tha, uska naam tha Wurtz synthesis ya Wittig synthesis. Tha aapke paas Wurtz Wittig synthesis, usko hum bolte hain, jisme aapke paas RX दो ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करते थे सोडियम के साथ. ये वर्ड सिंथेसिस मैं आपको बता रहा हूँ, और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन होता है, और होता ये कि अल्काइल चेन्स जो हैं ये आपस में एलोंगेट हो जाती हैं. साथ मैंने बताया था कि अगर इन दो में से एक एरिल चेन हो जाए और एक अल्काइल चेन हो जाए तो उसको वर्ड स्फटिक रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिएक्शन था. बेंजीन की प्रिपरेशन तो नहीं हुई इस तरह, लेकिन दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब जो आज हम लोगों ने रिएक्शन डिस्कस करने हैं, आज हम लोगों ने बेसिकली रिएक्शंस का मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि रिएक्शंस एल्कीन्स बेंजीन के होते कैसे हैं. ठीक है, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो स्टेबिलिटी के बारे में मैंने लेक्चर दिया था ना आपको, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में, अगर वो आप सुन लोगे तो फिर आपको आज का लेक्चर बेहतर समझ आ जाएगा. ठीक है, बेंजीन आपसे पहले बात हो चुकी है कि बेंजीन कुछ इस तरह की चीज है. ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है, और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. आपके पास साइडों पे यूं करके हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं. ठीक है, और ये आपके पास जितने भी बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे 120 डिग्रीज हैं, और हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात की थी, बल्कि इससे आगे भी हमने बात की थी कि अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं साइड से करके देखूं तो मुझे कुछ ऐसी चीज नजर आएगी. ठीक है, मैं अब उसको कोशिश करता हूं कि साइड से बनाऊं, साइड से आपको कैसा नजर आएगा. ठीक है, इस तरह की कोई चीज आपको साइड से नजर आएगी जिसके ऊपर और नीचे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही हो गया ना कि एक s और दो p आपस में मिले हुए, यानी ये सेकंड शेल की हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी कार्बन में. 2s 2px और 2py बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और 2pz पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. तो ये वाला, यहां पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, एक ये वाला, सॉरी ये और ये, यानी ये जो तीन हैं ये तो आपके ना sp2 हाइब्रिडाइज जो तीन नए ऑर्बिटल्स बनेंगे ये तो वो हैं. ठीक है, और अब जो मैं चीज बनाने लगा हूं वो है आपके पास ये चीजें pz जो आपके पास जो अनबॉन्डेड रह गए थे. ठीक है, उस लेक्चर के अंदर भी, स्टेबिलिटी वाले के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली पूरे के पूरे बेंजीन के इस प्लेन के ऊपर ये प्लेन कहलाता है. ये जो नीचे मैंने बनाया था ना जिसके ऊपर ये जो पूरा है ये पूरा बेंजीन का प्लेन कहलाता है. इस प्लेन के ऊपर और नीचे एक पूरा रिंग बन जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास बन जाती है. ठीक है, और ये आपके पास सारे के सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब इस बात को मैं यहीं पे रोक देता हूं. अब मैं आपको बताता हूं कि अल्कीन्स में क्या होता है. अल्कीन्स और बेंजीन को आपस में अगर हम साथ साथ करके देखें, अल्कीन्स में आपके पास डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो भी sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है, अल्कीन्स के केस में भी आपके पास एक ही, ये लेट्स से मैं साइड से देख रहा हूं एक अल्कीन को. ठीक है, अल्कीन्स में भी आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, दो हाइड्रोजन्स होते हैं. लेट्स से वो दो हाइड्रोजन्स इधर लगे हुए हैं और ये दोनों कार्बन का आपस में सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. और अब जो तीसरा, ये जो pz होते हैं ना अल्कीन्स के, ये भी इसी तरीके से जिस तरह उसमें बेंजीन में इन्होंने स्ट्रक्चर को खराब किया हुआ था ना, इसमें खराब क्या किया हुआ था, ये ऊपर और नीचे आपके पास एक पूरा ना क्लाउड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, और ये जो ऊपर और नीचे पूरा क्लाउड बनता है आपके पास, ये एंगल 120 होगा. ठीक हो गया, ये जो ऊपर और नीचे पूरा इलेक्ट्रॉन बनता है ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस कहां पे है, न्यूक्लियस है आपका यहां पे जहां पे कार्बन एटम्स दोनों पड़े हुए. तो ये न्यूक्लियस से चूंकि बहुत दूर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कहीं पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर हो चुके हुए होते हैं. ठीक है, तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, तो अगर कोई चीज जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, किन चीजों के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जो चीजें पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटीज को या स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो हमारे पास होती हैं हम उनको केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं
किसी ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज पड़े हुए हों। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो लूज पड़े हुए हैं, यानी इनको रिमूव करना बड़ा आसान है, यानी बहुत कम एनर्जी के साथ इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इनको अटैक करते हैं और वो इनके साथ आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं कह देता हूं कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स के केस में बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल्स भी ये काम कर जाते हैं, लेकिन बेंजीन की स्टेबिलिटी हाई होने की वजह से, और ये पूरा का पूरा चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इसमें तो सिर्फ दो पीजेड मिले हुए थे ना आपस में, बेंजीन में आपके पास होता है कि छह पीजेड मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, इसमें आपका हल्के फुल्के इलेक्ट्रोफाइल से काम चल जाता है अल्कीन्स के केस में। ठीक है, तो बेंजीन के केस में यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव स्पीशी, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहां से आता है, अब हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल्स कहां से आते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से किसी हेलोजन को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, हेलोजन को ऐड कर रहा हूं, तो हेलोजन मेरे पास फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, Br2। मैं Br2 का रिएक्शन अगर करवाऊं ना, तो Br2 क्या करेगा कि Br2 खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करेगा अल्कीन के इस बेंजीन रिंग के साथ, जब तक मैं बीच में कोई कैटलिस्ट ना डालूं। ठीक है, और वो कैटलिस्ट जो हम डालते हैं ना, वो हमें डालना पड़ेगा फॉर दिस सिचुएशन, हमें आयरन का कंपाउंड डालना पड़ेगा ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, लेट्स से मैं आयरन ब्रोमाइड डाल देता हूं, Fe X3 नहीं, दिस सिचुएशन हम ब्रोमीन की बात करें, Fe Br3, जो ये आपके पास फेरिक ब्रोमाइड हो गया, फेरिक बिकॉज आयरन का चार्ज यहां पे 3 है, ठीक है, और ब्रोमीन -1, तो फेरिक ब्रोमाइड आपके पास मैंने अगर डाल दू ना, तो पता है क्या होगा, अब मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने लगाऊं। मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा इस रिएक्शन का कि ये ब्रोमीन सबसे पहले रिएक्शन करेगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन बताते खुद इस बेंजीन को अटैक नहीं कर सकता, बेंजीन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, ये इतने आराम से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा वो रिएक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ना, ये तो आपके पास मॉलिक्यूल है जो कि जिसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये ब्रोमीन सबसे पहले क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा Fe Br3 के साथ। ठीक है, और ये आपके पास एक इंस्टेंटेनियसली एक आयन बनाएगा Fe Br4, एक हो जाएगा, ठीक है, और एक Br अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो Br अलग होगा ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और Fe Br4 आपके पास नेगेटिव चार्ज के साथ प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बेसिकली हुआ ये है कि ये जो ब्रोमीन है ना ये अटैच हो गया है Fe Br3 के साथ। ठीक है, और उसके साथ जब अटैच हुआ है तो ये एक इस तरह का आपके पास एक एनाइन बन गया, और ये जो एनाइन बना है आपके पास इसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपके पास देखो चार ब्रोमीन एटम्स लगे हुए, तो इसको मैं बोलूंगा टेट्रा ब्रोमो, और ये बेसिकली फेरेट है, एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया आपके पास। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, ठीक है, और इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं कि आगे ब्रैकेट के अंदर 3 लिखते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप चैप्टर नंबर गालिबन 5 या 6 के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप उसको सुनो पहले, आपको ये क्लियर हो जाएगा इसको नाम मैंने यूं क्यों लिखा है। टेट्रा ब्रोमो फेरेट आपके पास है, और साथ में आपके पास ये एक आयन बन जाता है जिसको फॉर दिस केस में बोलूंगा ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, ये आपके पास हेलोनियम आयन होता है वैसे तो, क्योंकि हेलोजोनियम आयन बोल दो या हेलोनियम आयन बोल दो, ये ब्रोमोनियम आयन फिलहाल बन गया Br+1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अभी तक मैंने काम किया है ना, ये सिर्फ इसलिए सारा कुछ किया है कि मेरे पास Br+1 बन जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन तो रिएक्ट करेगा ही नहीं ना अल्कीन के साथ, इस बेंजीन के साथ, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पॉजिटिव चीज चाहिए जो बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हो। अब ये जो ब्रोमोनियम आयन है ना, ये इट इज वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब आपको कुछ अंदाजा हो रहा है, ये जो हम लोग बीच में इस तरह की चीजें डाला करते हैं कैटलिस्ट वगैरह, इनका क्या काम होता है, ये बहुत ही काम की चीजें होती हैं।
ये आपके इंटरमीडिएट ना रिएक्शन को प्रोसीड कराने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती हैं। फॉर दिस सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में ये हम कर रहे हैं कि हम ब्रोमीन के अंदर ब्रोमीन ही का आयरन कंपाउंड डाल रहे हैं, ठीक है, और वो आपके पास इस तरह एक बना रहा है, ठीक है। अगर मैंने क्लोरीन लिया हुआ होता तो फिर मैं क्या करता, क्लोरीन का फेरिक क्लोराइड में डाल देता बीच में, ठीक है, FeCl3 में डाल देता, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाता, एक Cl FeCl3 के साथ अटैच होके FeCl4 बना देता, ठीक है। Cl इज नेगेटिवली चार्ज उस केस में आपके पास, तो FeCl4 कंप्लीट आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ, मैं इसको यूं करके लिख देता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। और साथ आपके पास एक क्लोरीन पॉजिटिव 1 के साथ आ जाएगा और ये आपके पास क्लोरोनियम आइन कहलाएगा, क्लोरोनियम आइन, विच इज अ वेरी अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा हेलोजन ऐड करने की कोशिश कर रहे हो या कौन सी स्पीशी ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बीच में कैटलिस्ट डालना पड़ता है जो क्या क्या करता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यील्ड करता है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, ठीक है, अब आगे सारा काम का काम स्टार्ट होने वाला है। मैं अगेन एक बनाता हूं आपके पास, एक तो मैं ये इलेक्ट्रोफाइल बना देता हूं, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली तो कुछ भी हो सकता है, इसको मैं एक्स प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कोई भी हेलोजन हो सकता है आपके पास या कोई भी नेगेटिव कोई भी स्पीशी हो सकती है इलेक्ट्रोफाइल की। ये एक्स आपके पास अब एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स पूरे हैं। ये जो एक्स है ना, ये अटैक करेगा यहां पे इस इलेक्ट्रोफाइल के जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको, ठीक है। आपको अक्सर मैं जब रिएक्शंस पढ़ा रहा होता हूँ, जो बुक पे मैकेनिज्म्स लिखे होते हैं ना, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो होता है ये एरोज बने हुए होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये एरोज होते हैं, आपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनाने होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर है, तो आप यूं करके एक चार्ज बनाओ, यूं एक एरो बनाओ, ठीक है, और यूं एरो के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, ये जो एक्स है ये आके इस बॉन्ड को तोड़ेगा यहां से जिस लोकेशन पे मैंने किया है, और यहां से बॉन्ड तोड़ के यहां पे खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो लेट से के पहले बॉन्डिंग कुछ ऐसे हुई हुई थी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो इस लोकेशन पे है ये इसको तोड़ देगा, ठीक है, और खुद क्या करेगा, खुद आके यहां पे एक एच तो पहले से लगा हुआ है ना, और खुद आके इस लोकेशन पे आके अटैच हो जाएगा ये एक्स, ठीक है। उसकी वजह से होगा ये कि इस लोकेशन के ऊपर ये वाली जो लोकेशन, अब जब वो बॉन्ड टूटेगा ना, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो इस लोकेशन के ऊपर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये जो आपके पास एक आइन बना है पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं बेंजेनोनियम आइन, ठीक है। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं, ये जो ऊपर भी मैंने नाम दिया था ना, क्लोरोनियम आइन, फ्लोरोनियम आइन, व्हाटएवर ओनियम आइन, मतलब ओनियम आइन्स बेसिकली आर पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर एक पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर एक, ठीक है, किसी एक लोकेशन के ऊपर, सर्टेन लोकेशन के ऊपर। तो ये आपके पास बेंजीनोनियम आइन बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? अगर आप इसको भी फर्दर डिटेल में जाके देखो कि ये हुआ क्या है, यहां से जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक किया है ना इस एक्स ने, तो ये एक्स आके यहां पे जुड़ा है, और जब इसने जुड़ा है ना, तो इसने यहां से डबल बॉन्ड तोड़ा है। तो जब डबल बॉन्ड तोड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन एटम है ना, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया है, वो गायब हो गया यहां से, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस वाले ने ले लिया, ठीक है। इस लोकेशन पे आपके पास दो चीजें आके अटैच हो गई है ना, दो चीजें आके अटैच हो गई है, इसका मतलब है कि जो डबल बॉन्ड वैसे जो दो इलेक्ट्रॉन इधर दरमियान में शेयर हो रहे थे इधर और इधर, वो दोनों के दोनों किधर चले गए, उधर उसके पास चले गए, ठीक है। उनमें से एक उसने एक्स के साथ और एक एच के साथ उसने शेयर कर लिए, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, जो पाए इलेक्ट्रॉन है वो इसने डोनेट कर दिया इस लोकेशन ने, इस वजह से इस लोकेशन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेंजोनोनियम आइन, ठीक है। इससे अगला जो स्टेप होगा ना, वो बेंजोनोनियम आइन ही से आगे फिर बात चलती है। तो ये मैं बेंजोनोनियम आइन लेता हूं, ठीक है, और इसी बेंजोनोनियम आइन से मैं अगला रिएक्शन प्रोसीड करवाता हूं कि बेंजोनोनियम आइन जो है अब इसको बेस अटैक करेगी। ये जो आपके पास ऊपर दो प्रोडक्ट्स बने थे ना, एक क्लोरोनियम आइन बन गया था और ये जो दूसरा एक नेगेटिव रेडिकल अजीब सी चीज बन गई थी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, इसको हम कहते हैं ये एक बेस होती है, ठीक है, इट इज अ बेस एक्टिंग इन दिस केस। तो ये नेगेटिव बेस जो होती है ना, फिर ये अटैक करती है और इन दिस सिचुएशन ये FeX4 होगी,
ठीक है, क्योंकि ये हमेशा FeX3 के अंदर मिक्स हुआ हुआ होता है, और FeX4, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, FeX4 विद अ नेगेटिव साइन। अब अगेन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव चीजें बनानी है, ठीक है, ये नेगेटिव वाला जो है ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन को, ठीक है, क्यों करेगा, बिकॉज इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो यहां से एक प्रोटॉन को अटैक करेगा, जब इस प्रोटॉन को अटैक करेगा तो ये तो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा ना, ये तो बॉन्ड बना के कोई नई चीज बना देगा, क्या चीज बनाएगा मैं आपको बता देता हूं, एफ ई एक्स फोर माइनस वन प्लस एच प्लस, अगर आप करो तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो एफ ई एक्स थ्री बन जाएगा बजाते खुद जो स्टार्ट में आप लेके चले थे, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, एच एक्स बन जाएगा, ठीक है, और एच एक्स जो है इन दिस केस आपके पास हेलोजन एसिड होगा, ठीक है, तो आपका इस पूरे मैकेनिज्म का जो प्रोडक्ट होगा एक तो हेलोजन एसिड होगा, दूसरा ये चीज एज अ कैटलिस्ट चली थी तो ये वापस निकल आई है, कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन एंड पे एज इट इज वापस आ जाते हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स में भी होती है रिएक्टेंट्स, इसलिए हम इसको एरोस के ऊपर नॉर्मली लिखा करते हैं कैटलिस्ट को। तो अब क्या होगा, ये इसने इसको अटैक किया हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को इसने यहां से खत्म कर दिया, तो प्रोटॉन को खत्म किया तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन को, मैं इसको एक और कलर से बता देता हूं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इस वाले के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस वाले को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बिकॉज इसने पहले से डोनेट किया हुआ है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे, और अगेन अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करूं तो आपका यहां पे एक एरो लगना चाहिए यूं करके, यहां से किस जगह तक आपका एरो लगेगा जनाब, आपका ये जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर वो उसने आके अटैक किया ना, तो ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली एक तरह से शिफ्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव लोकेशन की तरफ, ठीक है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ये क्या बात हो रही है, ये जो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये बेसिकली शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे, ठीक है, और यहां पे इसकी जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो चार्ज भी फिर खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, और वो जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो वापस रिटेन हो जाएगा उस लोकेशन के ऊपर, और एक साथ अभी भी चीज एक्स्ट्रा लगी हुई है, एक्स एक्स खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो एक तो ये बन गया, साथ दूसरा प्रोडक्ट ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है एक एच एक्स आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट्स आपके पास बनते हैं, एक आपके पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड तो नहीं है ये भी आपके पास, इसको आप हेलो बेंजीन बोलोगे, हेलो बेंजीन बनता है, ठीक है, यानी एक हेलो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, और सेकेंडली आपके पास क्या चीज बनती है, हेलोजन एसिड, ठीक है, तो ये तो दो केसेस तब होते हैं ना अगर आप किसी लेट से उसको ऐड कर रहे हो, किसी हेलोजन को अगर ऐड करो, जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा ही कोई हेलोजन ऐड हो, मतलब अगर कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक हो तो फिर क्या होगा, बेंजीन के साथ सिंपल अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे फिर क्या होगा, लेट से ये बेंजीन है इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, आप खुद ही आप बता सकते हो क्या होगा, कि सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इस इन इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है, और यहां पे पहले से एक एच भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और डबल बॉन्ड जो है ये यहां से ये टूट जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड जब टूटेगा बाकी वाले दो जो डबल बॉन्ड्स हैं वो बने रहेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन लोकेशन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपके पास बेंजिनोनियम आयन बन गया, बेंजिनोनियम आयन, और फिर क्या होगा कि इस बेंजिनोनियम आयन को कोई एक बेस अटैक करेगी, बेस आपके पास हमेशा एक होती है जो कि आपके कैटलिस्ट का पार्ट होती है, वो बेस आके किस जगह पे, बल्कि इस जगह पे नहीं अटैक करेगी, वो बेस आके आपकी अटैक करेगी इस हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, और वो बेस इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, इस प्रोटॉन के साथ, अब जब देखो मैं इसको H प्लस बोल रहा हूं ना, इसका मतलब है मैं H को नहीं रिमूव कर रहा, यहां से H प्लस को रिमूव कर रहा हूं, H प्लस का मतलब है कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड ने शेयर किए हुए हैं ना, मैं उन दोनों को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, H प्लस को मैं यहां से हटा रहा हूं, H को नहीं हटा रहा, तो B माइनस और H प्लस आपस में मिलके BH बना देंगे आपके पास, ठीक है, एक तो BH प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब यहां से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये
इस लोकेशन पे वापस आ जाएंगे और यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज भी फिर कार्बन का खत्म हो जाएगा और यहां पे वापस एक डबल बॉन्ड रिटेन हो जाएगा आपके पास. ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली दैट वुड बी, यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ हुआ होगा, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, और साथ में आपके पास ये BH बना हुआ होगा. आई शुड से ये एरो मुझे लगाना चाहिए था यहां पे. ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर एक बेस ऐड हुई है, उस बेस ने अटैक किया है, यूं कर देते हैं इसको कि इस बेस ने उधर जाके अटैक किया है. ठीक है, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट BX और साथ में वो चीज बन गई है. ठीक है, तो ये जो अभी आपको पूरा का पूरा मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर और वो बेसिकली साथ में उस लोकेशन से एक हाइड्रोजन को खत्म भी कर देता है. ठीक है, तो हम एक हाइड्रोजन की जगह एक किसी इलेक्ट्रोफाइल को लगा रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन. तो ये जितने भी रिएक्शंस अभी आप देख रहे हो ये सारे के सारे आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएंगे. ठीक है, बेंजीन जो है ना ये नॉर्मली देता ही सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है. ठीक है, क्योंकि बेंजीन जो है ये स्टेबल है. ठीक है, तो ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है. जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं ना आपके पास, एडिशन रिएक्शंस, वो बेंजीन के पहली बात बहुत कम होते हैं और लेकिन कुछ होते भी हैं. इससे पहले भी आप वैसे देख चुके हो कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो आप स्टार्ट में इस चैप्टर के आपने देख लिए थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी हेलोजिनेशन कर दूं सिंपली, तो आपके पास चारों लोकेशंस, सारी लोकेशंस पे एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग जाता है और आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है, तो आप कुछ तो देख चुके हो कि एडिशन हो जाती है, बट एडिशन बहुत मुश्किलों से होती है. ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ईजिली हो जाते हैं बेंजीन के. ठीक है, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपको एनर्जी एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. एनर्जी एनालिसिस, जो ये पूरा ऊपर मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है ना, इसमें एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ रहा होता है ये आप देखो. सॉरी, ये आप देखो, इसमें बेसिकली ये आपके पास बेंजीन है. ठीक है, और इस बेंजीन के अंदर आपने इस, ये आपका वो इंटरमीडिएट है जब आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया था और इस लोकेशन के ऊपर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है इस लोकेशन के ऊपर. ठीक है, ये जो कार्बोनियम, सॉरी बेंजेनोनियम आइन था ना, बेंजेनोनियम आइन, ये आपका ये है. ठीक है, अगर आप गौर करो आपका जो बेंजीन है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे है और आपका जो बेंजेनोनियम आइन है वो हायर एनर्जी स्टेट पे है, जिस बात का मतलब ये है कि आपको ढेर सारी एनर्जी इस प्रोसेस में सप्लाई करनी पड़ेगी. और ये आपका बेसिकली रिएक्शन काइनेटिक्स की एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप देखो कि यहां से ये जो आपको स्लो नजर आ रहा है, ये जो पहला स्टेप है ना इस रिएक्शन का, ये कंपेरेटिवली काफी स्लो होता है. ठीक है, रीजन बींग कि आप एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो. बेंजेनोनियम आइन जो होता है ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड है. और दूसरी बात ये कि इट इज नॉट एरोमेटिक. ठीक है, आपको हकल्स रूल में एक्सप्लेन कर चुका हूं इस चैप्टर के स्टार्ट में, उसके मुताबिक आप बता सकते हो कि इट इज नॉट एरोमेटिक एनीमोर. अब ये एरोमेटिक भी नहीं है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा हाई है, इसी वजह से, बिकॉज इट इज नॉट एरोमेटिक. सेकेंड जब रिएक्शन, ये बेसिकली ना दो रिएक्शन अलग अलग में इस पिक्चर के ऊपर बने हुए हैं, यहां से लेके यहां तक एक रिएक्शन है और यहां से लेके यहां तक एक रिएक्शन है. दूसरे रिएक्शन में देखो कि आपकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी अगर ड्रॉप हो रही हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये स्टेबलाइज कर रहे हैं अपने आप को. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो कंपाउंड बनेगा ये ज्यादा स्टेबल होगा निस्बतन ओरिजिनल बेंजीन के. ठीक है, ये एनर्जी डायग्राम आपको देख के नजर आ रहा है ना, ये आपको बेंजीन से भी नीचे आ गया और ये जो नीचे आया है तो ये डेल्टा एच नॉट आपको नजर आ रहा है, ये हीट है, जो हीट ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके लिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग भूल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल X2 को ब्रेक करने के लिए, X2 के रिएक्शन के लिए Fe(X3) के साथ और ब्ला ब्ला. तो लेकिन आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं इसमें एनर्जी एनालिसिस में कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है इट इज वेरी स्टेबल और जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इट इज वेरी अनस्टेबल. और ये जब अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ रहा है देखो, तो यहां पे लिखा हुआ है फास्ट,
यानी ये वाला जो सेकंड स्टेप है ना इट इज कंपैरेटिवली वेरी फास्ट एंड द फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो. तो ये दो स्टेप्स का रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म हमेशा दो स्टेप्स का होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मुख्तलिफ टाइप्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे जिनमें आपके पास हेलोजिनेशन शामिल है, नाइट्रेशन शामिल है, सल्फोनेशन शामिल है. ठीक है, हम इन सब रिएक्शंस में एक ही काम कर रहे होंगे, जो वो काम वही है जो आपको आज के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है,